कौन है ये काहोरी, क्या है इसका सुपर पावर्स, सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ इसका क्या रिश्ता है, व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 में हमें यही दिखने वाला है। हमारे मेन यूनिवर्स में रैग्नारोक से पहले ही ओडिन का डेथ हो जाता है, पर इस यूनिवर्स में ओडिन जिंदा होकर भी रैग्नारोक को टाल नहीं पाता। ओडिन टेजरक को यूज करता है सटर को रोकने के लिए, पर फिर भी सटर पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से टेजरक दूर अर्थ पे एक नेटिव अमेरिका के गांव में आके गिरता है। टेजरक के एनर्जी के वजह से विलेज में एक मैजिकल लेक क्रिएट होता है, जिसको लेके लोगों के बीच में बहुत डिफरेंट ओपिनियन रहता है। कोई इसे कर्स लेक कहता है तो कोई इसे इमोर्टैलिटी का लेक कहता है, और इस लेक पे हक जमाने के लिए बहुत सालों से यहाँ जंग छिड़ा हुआ है। हमारी काहोरी इस लेक के पास में एक ट्राइब का हिस्सा रहती है। एक दिन काहोरी और उसका भाई खेलते हुए उस लेक को ढूंढने जाते हैं। काहोरी का भाई उसे कहता है कि ये लेक श्रापित है और उन्हें लेक के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अचानक उन्हें पीछे गोलियों का आवाज सुनाई देता है, तो वो दौड़ के विलेज में जाते हैं, तो पता चलता है स्पेनिश सोल्जर्स उन पे हमला कर दिया है। काहोरी गलती से एक्सपोज हो जाने के बाद अपने भाई के साथ बचते बचाते हुए लेक की तरफ भागते हैं। सोल्जर्स भी उनका पीछा करता है। अचानक काहोरी और उसका भाई एक खड्डे में गिर जाते हैं और सामने उन्हें असली हिडन लेक दिखता है। पीछे सोल्जर्स होने के वजह से वो दोनों पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं, पर सोल्जर्स काहोरी के भाई को पकड़ लेते हैं एंड काहोरी को गोली मार देते हैं, जिसके वजह से काहोरी लेक में ही डूबने लगती है। पर हम देखते हैं लेक के नीचे टेजरेक्ट है और उससे एक मैजिकल ऑरा निकल रहा है, और अचानक टेजरेक्ट एक पोर्टल के थ्रू काहोरी को डिफरेंट डायमेंशन में पहुंचा देती है। देन काहोरी को वहां पे उनके जैसा ही दिखने वाला एक इंसान वेलकम करता है, जिसका नाम है अतारक। देन वो काहोरी को इस न्यू दुनिया के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि जो लोग लेक में गिर के गायब हो गए थे वो भगवान के दया से यहाँ पे पहुँच गए हैं। इस दुनिया में ना ही उनका उम्र बढ़ता है, ना ही उन्हें कोई बीमारी होती है, वो बस इस दुनिया के एनर्जी को एब्सॉर्ब करके न्यू मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब खुश हैं। काहोरी बताती है वो सब तो ठीक है, पर वो इस दुनिया में नहीं रह सकती, क्योंकि उनके गांव के ऊपर सोल्जर्स ने हमला किया है और उसे अपने भाई को बचाना भी है। अतारक्स काहोरी को बताता है कि इस दुनिया से निकलने का कोशिश बहुतों ने किया है, पर ऊपर जिस पोर्टल के थ्रू वो गिरे थे उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। पहले यहाँ के लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, पर अब उन्हें यहाँ अच्छा लगता है। काहोरी कहती है ये दुनिया कोई हेवन नहीं है, बल्कि एक प्रिजन है, और काहोरी अतारक से इस नेचर के एनर्जी को यूज करना सीख जाती है और फिर यहाँ से निकलने का ट्राई करती है, पर हर बार वो फेल हो जाती है। देन अतारक काहोरी को एक हंटिंग मैच में ले जाती है, जहाँ पे उन्हें एक बड़े से एनिमल के पीठ से एनर्जी फ्रूट कलेक्ट करना था। सब लोग हंट शुरू करते हैं एंड काहोरी भी अपने पावर को धीरे धीरे डिस्कवर करती है, जिसको यूज करने के बाद काहोरी सबसे दौड़ने लगती है। अचानक उन एनिमल्स के सामने आने के बाद काहोरी अनकॉन्शियसली एक मॉन्स्टर को अपने पावर से उठा के पटक देती है। सब लोग एक्साइटेड होते हैं कलेक्ट करेंगे फ्रूट को लेके, तब पीछे से काहोरी बहुत सारे फ्रूट अकेले ही लेके आती है। ये देख के वहाँ के सब लोग चौंक जाते हैं एंड एक बूढ़ी माँ उसे कहती है कि उसके अंदर सब लोगों से ज्यादा शक्ति है और शायद इस धरती के साथ उसका कोई एक डीप कनेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स अपने कमांडर को लेके उस लेक के तरफ जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो लोग इमॉर्टल बन जाएंगे। कमांडर लेक को देख के बहुत खुश हो जाता है एंड सारे सोल्जर्स एक एक करके लेक में उतरते हैं। उन्हें लगता है वो इमॉर्टल बन रहे हैं, पर अचानक एक एक करके हर कोई इस पोर्टल के थ्रू दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। कमांडर डर के अपने आर्मी के साथ वहां से भागने का प्लान करता है एंड सारे बंदकों को ले जाने का तैयारी करता है। बाकी सोल्जर जो टेलीपोर्ट हो चुके थे वो न्यू वर्ल्ड में जाके सोचते हैं कि ये हेवन है। देन अचानक उन्हें ट्राइब्स के आवाजें सुनाई देते हैं, वो विदाउट एनी वार्निंग सब के ऊपर हमला कर देते हैं, पर काहोरी अपने पावर से सारे बुलेट को रोक लेती है एंड उनके गन्स भी छीन लेती है। देन काहोरी गुस्से में सोल्जर्स को मारने की कोशिश करती है। अतारक उसे रोकने जाता है, पर काहोरी कहती है इन सारे सोल्जर्स ने उसके गांव पे बहुत आतंक फैलाया है, इसीलिए वो कभी इन्हें माफ नहीं करने वाली। सब लोग वहां काहोरी को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर काहोरी अपने पावर से एक मिरेकल कर दिखाती है। जिस पोर्टल के पास कोई पहुंच नहीं पाता था उसे काहोरी अपने पास ही लेके आती है एंड सबको कहती है कि वो लेक के थ्रू यहाँ पे आके तो खुश है, पर जिन्होंने भी उन्हें ये पावर्स दिया है वो यहाँ पे मजा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने वंशजों को बचाने के लिए दिया है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था अपने गांव को बचाने का, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर आज उनके पास फिर से एक मौका है सारे गांव वासियों को बचाने का। जिनका इरादा यहाँ से निकलना है वो काहोरी के साथ आ सकता है। ये कह के काहोरी अर्थ पे वापस आ जाती है। सोल्जर्स बोट एंड शिप के साथ वापस स्पेन जाने का तैयारी करते हैं, पर काहोरी उनके सामने आ जाती है। दिन स्पेन के आर्मी के सामने काहोरी कुछ देर तो टिकती है, पर तोपों के गोलियों से वो घायल हो जाती है। देन हम देखते हैं उसे बचाने के लिए सब लोग न्यू वर्ल्ड से यहाँ आ चुके हैं। देन काहोरी एंड सब लोग मिलके स्पेन के आर्मी को इजीली हरा देते हैं एंड शायद उसके कुछ दिन बाद काहोरी अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेन के क्वीन के पास जाती है एंड उसे समझाती है कि काहोरी के ट्राइब उनसे पीस चाहती है। क्वीन अपने प्राइड की वजह से उस डील को डिनाई कर देती है, पर काहोरी थ्रोन को तोड़ते हुए क्वीन को
वार्निंग देती है कि अगर उनके ऊपर कभी हमला हुआ तो वो क्या कर सकते हैं क्वीन सोच भी नहीं सकती। और सबको चौंकाते हुए पीछे से पीस के बारे में सुन के हंसते हुए वहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज एंटर करता है और काहोरी को कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। और इसके साथ खत्म होता है ये एपिसोड। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, एंड मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब तक डेडपूल एंड लोगन के मजेदार एडवेंचर देखने के लिए लेफ्ट वाले एंड प्रीवियस एपिसोड देखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके तुम देख सकते हो।